किधर है ये? बैकग्राउंड तो अच्छा इधर ही है, बैकग्राउंड तो अच्छा है कम से कम। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैं गुड़गांव से दिल्ली का एक छोटा सा यात्रा कर रहा था और मैं किसी काम से वहाँ गया था। तो आपने देखा कि अभी तक मैं सिर्फ महिपालपुर तक पहुँचा था और कितना ज़्यादा ट्रैफिक में फंसा हुआ था। अब उस वीडियो को हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मैंने लास्ट के लास्ट वीडियो में आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कि मैंने दो माइक खरीदा है, जिसमें से एक बोया माइक है और एक नॉर्मल माइक है। तो नॉर्मल माइक का आवाज़ तो आपने उस वीडियो में सुन ही लिया था, और मेरा जो लास्ट वीडियो है, पिछला वाला वीडियो, उसमें जो भी आवाज़ आप सुन रहे हैं वो सब नॉर्मल माइक का ही आवाज़ है, जिसे कि मैंने अपने हेलमेट के अंदर में माउंट करके रखा था और रिकॉर्डिंग जो है वो मोबाइल में हो रहा था। तो अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं आप, ये बोया माइक का है। इस वीडियो में पूरा लास्ट तक जो भी आवाज़ सुन रहे हैं वो बोया माइक से मैंने रिकॉर्ड किया है, और अभी जो मेरी आवाज़ आ रही है जो रिकॉर्ड होकर के आप इस वीडियो में जो सुन रहे हैं, ये भी बोया माइक का ही आवाज़ है। धौला कुमा के दिन का कुछ इस तरह का नज़ारा है। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रुका हुआ था पानी पीने के लिए, जब मैं दिल्ली से गुड़गांव की ओर वापस। हो गई सारी मस्ती ख़त्म। और लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जब मैं निकल रहा था गुड़गांव से दिल्ली की ओर, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला हुआ था। तो ये देखिए, अभी यहाँ पे महिपालपुर के पास हूँ। यहाँ से बाएं तरफ अगर हम मुड़ते हैं तो हम एयरपोर्ट की तरफ चले जाएंगे, और ऊपर फ्लाईओवर पे अगर चढ़ते हैं तो हम दिल्ली की ओर बढ़ जाएंगे। ऊपर आपने देखा धौला कुआं, वसंत कुंज। तो धौला कुआं होते हुए मुझे जाना है पीतमपुरा। ये यहाँ से लेफ्ट टर्न हमने लिया धौला कुआं की ओर, राइट जो था वो बसंत कुंज के लिए था, सॉरी बसंत विहार के लिए था। बिल्कुल मक्खन जैसा रोड है यहाँ पर, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, लाजवाब, लेकिन तेज चलाना यहाँ पर रिस्क से भरा हुआ है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है इस रोड पर, हद से ज़्यादा गाड़ियाँ चलती है, और सभी व्हीकल्स लगभग तेज़ रफ्तार में ही चलती है, क्योंकि ये मेन रोड है NH-48 को कनेक्ट करने के लिए दिल्ली से। सारी गाड़ियाँ निकल के NH-48 पे जाती है, और कुछ द्वारका की ओर भी मुड़ जाती है। तो ये मेन कनेक्टिंग रोड है, इस वजह से यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है, हर प्रकार की व्हीकल्स चलती रहती हैं, इसलिए यहाँ पर तेज़ नहीं चला सकते, क्योंकि कभी भी कोई भी गाड़ी आपके सामने आ जाएगी और अगर आप कंट्रोल नहीं रख पाएंगे तो फिर खतरा ही खतरा है। यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। ये आर्मी वालों का कैंप है यहाँ पर, और उन्होंने अपने हिसाब से काफ़ी सारे बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बना रखा है। ये लोकेशन आर्मी का ही है, धौला कुआं से थोड़ा सा पहले। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये बिल्डिंग। ये हम लोग पहुंच चुके हैं पीतमपुरा के पास, जहां पर हमें काम है। ये सकुरपुर करके एक जगह है, तो ये रानी बाग वाला रोड है, और यहाँ पे थोड़ा सा काम मुझे वो
काम को निपटा करके फिर यहाँ से निकलते हैं। इधर साइड साइड में सब्जियों का रेडी लगा हुआ है। दिल्ली में सब्जियाँ महंगी बहुत बिकती हैं, छोटे शहरों से लोग आ जाते हैं यहाँ पर पैसे कमाने के लिए। और पैसे कमाना, महंगा सब्जी खरीदना, महंगा अनाज खरीदना, ये सोच कर आते हैं कि हम पैसा कमाएंगे, पैसा बचाएंगे, वापस घर आएंगे, कुछ करेंगे। इनकम के हिसाब से खर्च भी हो जाता है और लोग फिर परेशान ही रहते हैं जिंदगी में। लिविंग स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा हाई है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का तो जिंदगी बिल्कुल चक्की की तरह रह गया है पीसने के लिए। छोटी छोटी गलियों में, छोटे छोटे घरों में लोग कबूतर की तरह रहते हैं बड़े शहरों में और इतनी महंगी चीज खरीद खरीद कर खाते हैं, सारे पैसे खर्च ही कर देते हैं। No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. ये एक चार्जर लेना था जो हमने ले लिया, अब वापस मुड़ते हैं यहाँ से दूसरा काम खत्म करने के लिए। यहाँ पर पंचर बनवाने के लिए रुकना था, तो जो सामने व्हील देख रहे हैं इसका पंचर बना करके और इसका रिम भी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था सही करके इसे ले करके वापस हमें जाना है गुरुग्राम। तो ये काम करते हैं ख़त्म, हो ही गया लगभग, अब इसे ले करके जाना है बस। ये वजीरपुर वाला फ्लाईओवर है, यहाँ से लेते हैं यू टर्न राइट की ओर और ये रास्ता सीधे, बिल्कुल सीधे गुरुग्राम की तरफ जाती है धौला कुआं होते हुए, और फिर कहीं रुकना नहीं है हमें, बिल्कुल मस्त रैपचिक जबरदस्त का रोड मिलता है और ट्रैफिक से भरपूर, दायां बायां होकर के हमें निकलना है। सीधे चले जाती है एम्स की तरफ और आगे से हमें लेफ्ट लेना है ताकि हम गुरुग्राम की तरफ मुड़ जाएं, तो आगे से लेफ्ट और गुरुग्राम, और लेफ्ट लेने के बाद हम वापस फिर वही NH-48 पे मिलते हैं जो कि सीधे जयपुर की ओर तरफ चली जाती है।